हेलो एवरीवन, सो आज मैं बनाऊंगी खट्टी मीठी आम की लौंजी यानी कि खट्टी मीठी आम की चटनी। तो इसके लिए मैंने दो आम ही लिए हैं यानी कि कच्चे आम लिए हैं और इन कच्चे आमों का छिलका उतार दिया है। अब हम इन आमियों को छोटे छोटे पीसेस में कट करेंगे। तो मैंने आमियों को छोटे छोटे पीसेस में कट कर दिया है। हम आमी की सब्जी को भगोने में बनाएंगे। मैंने सबसे पहले इसमें पानी डाला है। इसके बाद अब हम इसमें कटी हुई आमी डालेंगे। इसे कुछ देर तक मीडियम फ्लेम पर उबालना है ताकि आमी अच्छे से गल जाए। ऐसे उबालने से आमी का ज़्यादा खट्टापन कम हो जाता है और आमी खट्टी मीठी लगने लगती है। आमी अच्छे से उबल गई है, अब हमें गैस को बंद कर देना है। आमी सही तरह से गल गई है, अब हमें आमी का पानी निकाल लेना है क्योंकि उस पानी में खट्टापन होगा। अब हम फिर से गैस ऑन करेंगे और इसमें नॉर्मल वाटर डाल देंगे। अब इसे थोड़ी देर तक ढक देना है। आमी को अच्छा मीठा करने के लिए हम इसमें गुड़ डालेंगे। गुड़ के छोटे छोटे टुकड़े करके अब इसमें डालना है। अब हमें गुड़ के गलने का वेट करना है। अब गुड़ गल गया है, इसमें सौंफ डालेंगे, थोड़ी सी लाल मिर्च डालेंगे और मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ हमने काला नमक डाला है और सूखा हुआ पुदीना। तो रेडी है हमारी खट्टी मीठी आम की सब्जी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।